झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को मेगा नॉमिनेशन शो का नजारा खूब दिखा। इस दौरान कई ऐसी खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई जिसको बार बार देखना आप और हम चाहेंगे। शुभ मुहूर्त में चुनाव का पर्चा दाखिल करने के लिए प्रत्याशियों ने मंदिरों में मत्था टेका और सज धज कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन करने के लिए जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ते दिखाई पड़े। इस दौरान कार्यकर्ता और समर्थक भी उत्साह से लबरेज दिखाई पड़े और अपने प्रत्याशियों के जीत के प्रति भरोसा जताते हुए जिंदाबाद के नारे भी खूब लगाए। पूरे झारखंड से तस्वीरें तो बहुत सारी आई हैं, लेकिन कुछ खास चेहरों को हम आपको दिखाना चाहेंगे। बैलगाड़ी पर सवार होकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे ये जनाब जितेंद्र सिंह है। जमशेदपुर पश्चिम से दिग्गजों के खिलाफ चुनावी मैदान में बतौर निर्दलीय उतर चुके हैं। इनके हाव भाव में देखिए कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरी तस्वीर रांची से है, जहां नामांकन के लिए पहुंचे दो ध्रुवों का मिलन और चेहरे पर ताजगी पर भी गौर कीजिए। बीजेपी के नवीन जायसवाल और कांग्रेस के राजेश कच्छप एक दूसरे से मिले, गलबहिया भी की। तस्वीर की खूबसूरती ये भी है कि दोनों ने एक दूसरे को जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें बीजेपी हो या जेएमएम या फिर कांग्रेस या फिर आजसू, सभी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडा बैनर और गले में पट्टा पहने हुए खूब जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। वाकई में यही है लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर। इन खूबसूरत तस्वीरों के बीच उम्मीदवारों ने अपनी जीत के दावे भी ताल ठोक कर किए। ये जो चुनाव है, निश्चित तौर पर हम लोग हल्के में नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई जो प्रतिद्वंदी नहीं है और जो बोरो खिलाड़ी है, बोरो प्लेयर है, जनता ने देखा है कि इस राज्य को कोई संभाल सकता है तो वो महागठबंधन की सरकार, हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी संभाल सकते हैं। हेमंत जी के कार्यकाल में निश्चित तौर पर झारखंड का विकास हुआ है, झारखंड का उदय हुआ है, झारखंड के लोगों का विकास हुआ है, झारखंड के माताओं बहनों का सम्मान हुआ है, जो जिसका परिणाम में आप देख सकते हैं लाखों की भीड़ हमारे आवास में अभी है। मैंने नहीं बुलाया उनको, स्वेच्छा से लोग आए हैं, तो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि जनता का अपार जन समर्थन इरफान अंसारी के प्रति है। मैंने जिंदगी भर लोगों की सेवा किया है और ये चुनाव मेरे लिए महज एक औपचारिक है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, विधानसभा हो, मुखिया हो, लोकसभा हो, हर चुनाव को चुनौती के रूप में हम लोग लड़ते हैं और हटिया के जनता ने तीन तीन बार अपना आशीर्वाद दिया है। चौथी बार भी चौका हटिया में लगेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए कि चुनाव के समय बहुत नेता आते हैं, लेकिन 5 साल नवीन जायसवाल एक भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, सुख में, दुख में, काम में मैं रहा हूं। और जनता के बीच में अगर आप जाएंगे और पूछेंगे तो एक एक घर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, पहचानता है और काम के बल पर मैं यहाँ हूँ। आपने भी देखा लोकतंत्र की इस खूबसूरत तस्वीर को। यहाँ जीतना हर कोई चाहता है और जीत कैसे होगी इसके लिए दिन रात एड़ी चोटी का जोर भी ये लगाएंगे। इन सबों के बीच जनता जनार्दन को, यानी आपको भी हारना नहीं जीतना है। मतलब साफ है, आपका एक एक वोट बेहद कीमती है, सोच समझकर वोट जरूर कीजिएगा। कारण भी है, 5 साल में एक बार मताधिकार के विशेष अधिकार का आप प्रयोग करते हैं। नमस्कार।